नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डी आई वाई जे एन के। दोस्तों आज का एपिसोड होने वाला है डिटेलिंग के बारे में, तो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो आज मैं एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ आपको, एक गाड़ी का एक पैनल लेंगे, उस पर हम डिटेलिंग के स्टेप्स जो हैं आपको बताएंगे। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक माइक्रोफाइबर क्लोथ है, और उसके बाद एक डिटेलिंग लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गाड़ी को वॉश करने के बाद आपको क्ले बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बढ़िया क्वालिटी की क्ले बार होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये वेवेक्स की क्ले बार किट है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा पॉलिशर। तो यहाँ पे हम मैक्साइन का M1000 रोटरी पॉलिशर यूज़ करने वाले हैं, और इसके साथ हम सबसे पहले तो मेंजरना का 400 कटिंग कंपाउंड यूज़ करेंगे। हैवी कट कंपाउंड है, बट दोस्तों इसमें कट के साथ साथ ग्लॉस भी है। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तीनों स्टेप्स करता है, यानी कि कटिंग भी करता है, पॉलिशिंग भी करता है, और फिनिशिंग भी करता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसी बॉटल की पिक्चर है, और इसे यूज़ करेंगे हम हैवी कटिंग पैड के साथ। तो ये हमारे पास मैक्साइन का ही ग्रीन कलर का हैवी कटिंग पैड है। नेक्स्ट दोस्तों हम यूज़ करेंगे मेंजरना का फाइनल फिनिश 3000। तो दोस्तों ये फिनिशिंग कंपाउंड है, इसमें खाली फिनिश आती है, थोड़ा सा कट है, मैक्सिमम इसमें ग्लॉस है, और ये हम यूज़ करेंगे येलो पॉलिशिंग पैड के साथ। तो ये हो गया कंपाउंडिंग के स्टेप। उसके बाद प्रोटेक्शन का जो हमारा स्टेप होगा वो होगा लास्ट वाला, जिसमें हम यूज़ करेंगे वेवेक्स का कार्न्यूबा वैक्स। इसकी जगह पे आप पेंट सीलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट में सिरेमिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे यूज़ करने के लिए हम या तो फिनिशिंग पैड रेड कलर का यूज़ करेंगे, या फिर इसकी हैंड एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी के बॉनेट पे आज डिटेलिंग करेंगे। तो ये एक पूरा पैनल है जिसको हम लेंगे जस्ट टू मेक अ वीडियो। अगर पूरी गाड़ी को करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि स्क्रैचेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो मेरी गाड़ी का जो पैनल है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, अगर मैं इसकी डिटेलिंग ना भी करूँ तो भी चलेगा, बट जस्ट टू शो यू मैं आज डिटेलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो स्क्रैच आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिटेलिंग लाइट की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप इनडोर्स काम कर रहे हैं, बट अगर आउटडोर्स हैं तो सन के रिफ्लेक्शन में भी आप स्क्रैचेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने जब स्क्रैचेस आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद मेरा फर्स्ट काम है कि गाड़ी को मैं वॉश कर लूँ, ताकि इस पैनल के ऊपर जो लूज डस्ट एंड डेब्रिस है उसको हम हटा दें। तो जब आपने गाड़ी वॉश कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्ले बारिंग का। तो क्ले बार से क्या होगा, जो थोड़ी स्टबर्न डस्ट एंड डेब्रिस है जो पेंट के अंदर एम्बेड हो गया, वो इस स्टिकी क्ले बार में चिपक के बाहर निकल जाएगा। अगर डिटेल्स में आपने देखना है क्ले बार क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पर जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप क्ले बारिंग कर लें, उसके बाद गाड़ी को फिर से रिंस कीजिए पानी से, उसके बाद माइक्रोफाइबर से ड्राई कीजिए। अब फाइनली हम कंपाउंडिंग के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों कंपाउंडिंग के फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ कर रहे हैं मेंजरना का हैवी कटिंग कंपाउंड 400, और ये हम यूज़ कर रहे हैं मैक्साइन के M1000 रोटरी पॉलिशर के ऊपर। और जो पैड हम यूज़ कर रहे हैं वो है ग्रीन कलर का मैक्साइन का हैवी कटिंग पैड। तो यहाँ पे कंपाउंड के हमने पी साइज़ या कॉइन साइज़ भी डाल सकते हैं आप, कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने 5 ड्रॉप्स डाले हुए हैं। उसके बाद इन्हीं ड्रॉप्स को आप गाड़ी की सरफेस के ऊपर डैब करके थोड़ा एक एरिया 2x2 या 3x3 के सेक्शन में इसे फैला दीजिए। फैलाने के बाद अपने मशीन पॉलिशर को आप ऑन कीजिए स्लोवेस्ट स्पीड पर। तो मैं यहाँ पे 1 स्पीड पे ऑन कर रहा हूँ उसको। स्लो स्पीड पे इसे फैला दीजिए पूरे पैनल पे, पूरे वर्क एरिया पे, जो भी सेक्शन आपने बनाया हुआ है। और जब ये फैल जाए, उसके बाद इसे मीडियम स्पीड पे बंप कर दीजिए। 3 से लेके 4 तक की स्पीड जो है वो मीडियम स्पीड मानी जा सकती है। तो इस स्पीड पे इसे आप अच्छी तरह से 3-4 पासेस दीजिए, और पास जब आपने देने हैं वो आपने ओवरलैपिंग सेक्शंस में देने हैं। आपने पहले तो वर्टिकल सेक्शंस में ओवरलैप करते हुए 3-4 पास देने हैं, और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल में। तो एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाना है, ताकि एक एक एरिया जो है उस पर अच्छी तरह से कंपाउंडिंग हो जाए। ये जो कटिंग कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी है कट करना सैंड पेपर की तरह, लेकिन बहुत फाइनर, बहुत नैनो लेवल पे जाके। तो इसे वो काम करने का पूरा मौका दिया जाए, तो इसे मौका मिलेगा जब इससे आप अच्छी तरह से पेंट पे पास करते रहेंगे, चलाते रहेंगे इधर से उधर। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक ही पॉइंट के ऊपर इसे ज़्यादा देर तक ना चलाएं, अदरवाइज़ पेंट बर्न हो जाएगा, पेंट वहाँ से डैमेज हो जाएगा, और आपकी डिटेलिंग का प्रोसेस जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का
ध्यान रखें। तो इसी तरह से आपने पैनल बाई पैनल करके पूरे सेक्शन पूरे अपने बॉनेट को कवर करना है, और आपका पूरा बॉनेट जो है वो उस पर वन स्टेप कंपाउंड आपने ये कर लेना है 400 वाला। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लोथ से लेफ़्ट ओवर कंपाउंड जो है, जो रेजिड्यू बच गया, उसे क्लीन कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट आ जाएंगे जो भी 400 से आपने अचीव किए हुए हैं। अगर तो सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोबारा से कंपाउंडिंग का एक और पास कर सकते हैं ताकि आपके जो लेफ़्ट ओवर स्क्रैचेस हैं वो भी क्लीन हो जाए। जब आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हैं। इस स्टेप के लिए हम येलो पैड अपने रोटरी पे लगा लेंगे और साथ में यूज़ करेंगे मेंजरना फाइनल फिनिश 3000। तो ये फिनिशिंग कंपाउंड है, तो पहले स्टेप में जो बड़े बड़े स्क्रैचेस थे वो हमने रिमूव किए 400 से, तो अब जो उससे छोटे स्क्रैचेस हैं जो इक्विवेलेंट टू स्वेल मार्क होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। यूज़ करने का तरीका वही है, थोड़ी सी क्वांटिटी पैड के ऊपर लीजिए, 5 to 6 पी साइज ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसको डैब करके फैलाइए, और एप्लीकेशन का प्रोसेस तकरीबन फर्स्ट स्टेप वाला ही रहेगा। तो ये जो 3000 कंपाउंड है मेंजरना का, ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, फ्री फ्रॉम सिलिकॉन्स एंड फिलर्स हैं। तो अगर आप क्वालिटी डिटेलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप डिटेलिंग के बाद अपनी गाड़ी के ऊपर या अपने क्लाइंट की गाड़ी के ऊपर सिरेमिक कोटिंग करना चाहते हैं या और भी किसी किस्म की कोटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल राइट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन्स एंड फिलर्स नहीं है। ये क्या करेगा, ये सरफेस है उसको बिल्कुल प्रिपेयर रखेगा और कोई जैसे सिरेमिक को बॉन्ड करने के लिए। तो बात करें अगर मशीन पॉलिशर को यूज़ करने की, तो दोस्तों बिल्कुल लाइट हैंड से आपने यूज़ करना है, कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने मशीन पॉलिशर को कंट्रोल करने के लिए एक या दोनों हाथों का यूज़ कर लेना है, बट फोर्स किसी किस्म की डालनी नहीं है। पॉलिशर का अपना वेट होता है, वही वेट एग्जर्ट होता रहेगा पेंट के ऊपर लाइटली, और उसी इस वेट से जो है वो काम आगे बढ़ेगा, आपको किसी भी तरह का वेट डालने की ज़रूरत नहीं। और स्पेशली आपको कंपाउंडिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि एजेस पर ज़्यादा बर्न वगैरह हो जाते हैं, तो एजेस पे थोड़ा लाइट हाथ रखना है, और जो क्रीजेज होती हैं इन पे भी ज़्यादा हीट जनरेशन हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा हाथ लाइट रखने की ज़रूरत है। चाहे तो आप यहाँ इन जगहों पे मास्किंग कर लें, उसके बाद आप डिटेलिंग का काम अपना स्टार्ट करें ताकि कोई भी डैमेज ना हो पेंट को। तो कंपाउंडिंग के सेकंड स्टेप के एंड में भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके बढ़िया से वाइप डाउन कर लीजिए, जो भी रिमेनिंग कंपाउंड है उसे साफ कर लीजिए, ताकि आपके सामने जो फाइनल फिनिश है जो 2 स्टेप कंपाउंडिंग के प्रोसेस में आई है आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर वो विजिबल हो जाए। तो रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं आपके साथ एक शॉट शेयर कर देता हूँ जिसमें थोड़ा क्लोजअप से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग से पहले मैंने बोनेट का इस एंगल में एक शॉट दिखाया था आपको, तो आपको यहाँ पे कुछ इम्परफेक्शंस वगैरह दिख रही थी, थोड़े स्क्रैचेज और स्वेल मार्क्स यहाँ पे दिख रहे थे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिरर लाइक फिनिश है, ऑल्दो ये एक मेटेलिक पेंट वाली गाड़ी है तो इस पर इतना ज़्यादा विजिबिलिटी बनती नहीं है। अगर सॉलिड ब्लैक पेंट हो या थोड़ा डार्क जो सॉलिड कलर्स होते हैं जैसे ब्लू वगैरह, उन पे ज़्यादा दिखता है, इस पे कम दिखता है, बट फिर भी मुझे रिजल्ट्स जो हैं विजिबली दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी रिजल्ट दिख रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, बट दोस्तों अभी भी हमारा डिटेलिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, एंड में हम लास्ट स्टेप में इसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे वैक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वैक्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद IPA करके आप सिरेमिक भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिरेमिक नहीं करूँगा, सिरेमिक के लिए हम फिर कभी एक एपिसोड बनाएंगे, आज हम वैक्स करेंगे। तो वैक्स यूज़ करेंगे हम वेवैक्स का कार्न्यूबा वैक्स। तो ये वैक्स को अगर आप मशीन पॉलिशर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रेड पैड यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, आप हैंड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, आप सिंपली माइक्रोफाइबर और एप्लीकेटर स्पॉन्ज से भी इसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसे अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉटल से आप वैक्स की थोड़ी सी क्वांटिटी एप्लीकेटर स्पॉन्ज पे निकाल लीजिए, ताकि उसे आप बोनट के ऊपर या वर्क एरिया के ऊपर डैब कर सकें। अगर आपके पास एप्लीकेटर स्पॉन्ज नहीं है तो आप माइक्रोफाइबर को फोल्ड करके उसके साइड के एक पोर्शन को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे इस तरीके से आप वैक्स निकाल लीजिए
और बॉनेट पे डैब करके फैला लीजिए। पूरे बॉनेट को वैक्स से कवर कर दीजिए और थोड़ी देर इसको सेट करने दीजिए, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, जब तक कि वैक्स जो है ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा तब आप बेयर फिंगर जो है उसको सरफेस को टच कीजिए और वाइप कीजिए। अगर बिल्कुल क्लीन वाइप हो जाए तो दैट मीन्स वैक्स जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। जब वैक्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद एक क्लीन एंड ड्राई माइक्रोफाइबर फोल्ड कीजिए और उससे जो वैक्स आपने बॉनेट पर लगाया हुआ है, सरफेस पर लगाया है, उसे वाइप आउट कर दीजिए। बढ़िया तरीके से रबिंग करने के बाद आपके सामने जो है वो फाइनल फिनिश आ जाएगी, एकदम स्लिक, एकदम स्मूथ, एकदम स्लिपरी। आप हाथ लगाएंगे तो आपको आपके जो आपने जो भी काम किया उसका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल सामने सामने पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ग्लॉसी मिरर लाइक फिनिश आई है, शाइन आई हुई है बोनट के ऊपर। पहले इसकी कंडीशन जो है थोड़ी ड्राई हो गई थी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है। तो चलिए अब इसका वाटर बीडिंग टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो देखिए हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़, पानी सरफेस के ऊपर बिल्कुल भी टिक ही नहीं रहा है। गाड़ी की सरफेस प्रॉपरली पानी को रिपेल कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हुई एक परफेक्ट डिटेलिंग। आप देख सकते हैं कि वाटर बीडिंग कितनी हो रही है गाड़ी की सरफेस के ऊपर। तो ये सरफेस अब हो चुकी है प्रोटेक्टेड, क्योंकि मैंने वैक्स की लेयर लगाई है। तो ये प्रोटेक्शन जो है 2-3 हफ्ते तक ही रहेगी या मैक्सिमम 1 महीने तक। अगर आप सिरेमिक यूज़ करते हैं तो 6 महीना, 1 साल या 2-3 साल, जो भी सिरेमिक कोटिंग की लाइफ हो उतनी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो डिटेलिंग के स्टेप्स जो हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करोगे तो परफेक्ट और प्रॉपर डिटेलिंग कर पाओगे आप भी अपनी गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे मेंजरना के प्रोडक्ट्स हैं या मैक्साइन के प्रोडक्ट्स हैं, जो पैड्स हैं और क्ले बार्स वगैरह जो भी है, जो जिन जिन के भी लिंक्स अवेलेबल होंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके आप लिंक्स को क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे आने वाले और भी एक्साइटिंग डिटेलिंग के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIYJNK। बाय बाय।